Assalamu alaikum. People, can you hear me? All right. Thank you, Mohsen. अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था और आज हमें क्या करना है? हमने इस पे गुफ्तगू कर ली थी कि मुख्तलिफ रोल्स होते हैं एंड ऑल दैट, कि हमें सब रोल में पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, हमने कर ली थी। आपने फिर हमें एक एक्टिविटी की भी दी थी, आपने क्लास के थोड़ी देर बाद मतलब 3 बजे रखी थी और आपने जो है कहा था कि विजन लिखना होगा। मैं एक आपने वो भी कहा था कि मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, वो तो अपलोड हो गया ना। जी सर। अब अगले फ्राइडे को पेपर है आपका? जी सर, 9:30 से 11:30 फ्राइडे को ही है? जी सर। ओके, तो आज तक हम जहाँ पढ़ पाएंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब तक मैंने लेक्चर के रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड नहीं किए, तो मैं आज इंशाल्लाह उसको कर दूंगा। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, मैं आज की स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। इज इट विजिबल टू यू पीपल? यस सर। आप लोग अपना नाश्ता वगैरह साथ प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। मैं भी, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो बस उन्हें ड्रॉप करके आया हूँ, तो आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट एज वेल। व्हाट्सएप पे किसी ने कहा था कि जी अटेंडेंस का कोई मसला है? भाई देखिए, अटेंडेंस हम 2 वक्त पे लेते हैं। अगर आप उस वक्त मौजूद नहीं होंगे क्लास में तो आपकी अटेंडेंस ज़ाहिर है नहीं लग पाएगी, सही है? और इस पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि सिर्फ शायद 2 ही छुट्टियां अलाउ हैं इस कोर्स में। चलें जी, तो जनाब हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क है, उसमें से हमने ये वाले 2 हिस्से तकरीबन पूरे कर लिए। वेयर टू गो भी हो गया, विजन वगैरह व्हाट टू डू पे आज हमारी कुछ गुफ्तगू होगी, ठीक है जी? क्लियर है? अब आप तक की जो हमारी क्लास थी उसमें विजन बनाना, विजन लिखना, विजन की इम्पोर्टेंस, इज इट ऑल क्लियर? कोई सवाल इस हवाले से कि विजन कैसे लिखा जाएगा, विजन लिखना चाहिए भी नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन की कोई भी बात आपके जहन में? सर, आपने कहा था कि मैं इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, पेपर में बड़ा क्वेश्चन आएगा मिड में। सर ये पूछना था, वो जो आपने हमें एक एक्टिविटी टाइप दी थी कि आपने विजन लिखनी है इस अकॉर्डिंग टू ये जो 9 विजन के पार्ट्स थे उस मुताबिक, तो सर एग्जाम में भी वैसे ही लिखना होगा? बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपको 2-4 विजन स्टेटमेंट्स दे दूं और मैं आपसे ये कहूँ कि इन स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कीजिए उन 9 करैक्टरिस्टिक्स पे। ओके सर। बिल्कुल, चलें जी आगे बढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं ब्रीफ प्रोएक्टिव, तो हमने कर ही लिया था।
ये हमारी गुफ्तगू हुई है बी प्रोएक्टिव वाली, शुरू में हुई थी ना, या ये नहीं हुई है अभी? लेट मी चेक। हाँ बी प्रोएक्टिव तो हमने कर ही लिया था, उसको मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। हैबिट क्या होती है भाई? थिंग्स दैट वी रिपीटेडली डू आर दी हैबिट्स। ठीक है जी, जो काम हम बार बार कर रहे होते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाते हैं। और होता फिर ये है कि फर्स्टली मेक आर हैबिट्स एंड देन आर हैबिट मेक्स अस। पहले हम अपनी हैबिट खुद बनाते हैं हर काम, उस काम को करके, और फिर उस हैबिट्स में जब हम पड़ जाते हैं तो उससे हमारी अच्छी या बुरी जो कंडीशनिंग होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि देन हैबिट्स मेक्स अस। हैबिट्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और एक्चुअली न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो किताब है जिसका हम पहले भी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, 7 Habits of Highly Effective Team, इसमें पहली हैबिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, बी प्रोएक्टिव, जिसमें हमने कहा था कि हम वी ओनली हैव आवरसेल्फ टू अंडर कंट्रोल, और हमें रिएक्शन शो नहीं करना है, और हमने जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो तो हमने उसको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि वी शुड बी वेरी काम एंड कूल, और हमने वाटर बॉटल की तरह एक्ट करना है और हमने फिजी ड्रिंक की तरह एक्ट नहीं करना है। और हमें ये समझ आना चाहिए कि हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में कौन है और सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में कौन है। तो ये सब बातें हो गई थी भाई। ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं। नहीं सर, ये वाली बातें नहीं हुई थी, बी प्रोएक्टिव वाली। बी प्रोएक्टिव वाली बातें हुई थी, बिल्कुल हुई थी थोड़ी सी, और उसमें हमने ये कहा था कि आपने प्रोएक्टिव मसल्स ग्रो करने हैं। मैं आपको सर ये वाली बातें नहीं हुई, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हुई थी। सर हो गई थी, लेट मी शेयर। भैया ये हमने लेक्चर 2 किया था, सही है ना? याद आ गया आपको? ये पढ़ा था ना हमने पैराडाइम। यस सर याद आ गया, सर वो मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया उस टाइम पर। हाँ, ये हमने बी प्रोएक्टिव में ये सारी बात की थी। ठीक है, उसी को हम थोड़ा तफसील में करने जा रहे हैं। सही, ठीक है, चलो। तो हमें कोक की बोतल को हिलाते हैं तो वो एक्सप्लोड करती है, क्यों? क्योंकि उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो भी उस पर एक्सटर्नल एक्टिविटी हो रही है, वो उसको उससे रिएक्ट करती है, जबकि वाटर बॉटल ऐसा नहीं करती। ये बात नहीं हुई थी। तो भाई हमें रिएक्टिव होना चाहिए या हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए? आप लोग कहाँ पे लाए कर रहे हैं इसमें, ये बताइए। आप में से कितने लोग समझते हैं वो बहुत रिएक्टिव हैं? ऐसे भी कोई होगा जो समझता होगा मैं बहुत प्रोएक्टिव हूँ। बस फर्क जिंदगी में ये याद रखिए, वाटर बॉटल हैं आप या सोडा वाटर हैं, क्या हैं? असल में होता ही है कि हम मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ तरह बिहेव करते हैं। For some we are very reactive, for some we are very proactive. सही है? हमने जो सीखना है वो ये सीखना है कि हम तमाम ही सिचुएशन में प्रोएक्टिव हो सके। बात समझ आ रही है? Yes sir. Good. चलें बताइए इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, सब बताएंगे।
What do you see? कि सर बारिश हो रही है, अब बारिश में एक बंदा जो है मतलब बारिश की सिचुएशन बाहर हुआ और अचानक बारिश शुरू हो जाए तो ये बंदा जो है सर भागता हुआ दिख रहा है, जो मतलब एक तेजी से भाग रहा है, और दूसरे बंदे जो है उनके हाथ में अम्ब्रेला है, उन्होंने फौरन अम्ब्रेला खोल दिया। ठीक है, कुछ और नजर आ रहा है आपको? ये तो बहुत ही ऑब्वियस था सर। सर ये जो बंदा है ये एकदम से मतलब बारिश हुई है तो तेजी से भाग रहा है, मतलब कोई शेड ढूंढ रहा है जिसके नीचे बढ़ा सके, जबकि बाकी इसके साथ में जो लोग हैं वो आराम से बिल्कुल जो है ना उन्होंने अपना मोहताज रवैया अपना के मतलब बगैर घबराए उन्होंने अपने साथ वो अम्ब्रेला खोल के वो यूज कर ली। कोई और साहब? सर इसमें एक बंदा जो है वो बारिश को एंजॉय करते हुए जा रहा है और बाकी अपने आप को बचाते हुए जा रहे हैं, ये भी। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। कोई और एंगल? दोनों ही एंगल सही हैं। अच्छा, बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाय होता है, भाई बारिश इज एक्सटर्नल एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी से कोई किसी को वो अच्छा लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। अब अगर उस एक्टिविटी से हमारा मूड स्विंग हो रहा है तो इसका मतलब हम प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव हैं, ये बताइए। सवाल समझ में आया? यस सर। तो अगर किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी से हमारा मूड स्विंग हो रहा है तो हम प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव? बी प्रोएक्टिव। रिएक्टिव सर। रिएक्टिव है सही, और हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या नुकसान है? सपोज करो कि वेदर का चेंज मेरे मूड को अच्छा या बुरा करता है, इसका मुझे फायदा होगा नुकसान होगा? सर मूड अच्छा होगा तो ऑब्वियसली फायदा होगा, मतलब आपकी हेल्थ पर, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट भी इंसानी सेहत के लिए, इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि अगर आपका मूड बारिश से अच्छा होता है तो कराची में तो आपका मूड कोई 20 दिन ही अच्छा रहेगा पूरे साल में। बात समझ आ रही है? यस सर। तो क्या ये डिपेंडेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नो सर, नहीं होनी चाहिए। सही है, तो फिर क्या करें भाई? हम में से अक्सर दोस्त बोलते हैं ना, यार आज मौसम अच्छा है, सी व्यू चलते हैं। अच्छा, ये डायग्राम आपको क्या दिखा रही है? बताइए भाई क्या दिखा रही है डायग्राम? सर एक बंदा है वो सूरज के अंदर मतलब सूरज के नीचे खड़ा हुआ, वो जो है सन बात दे रहा है और वो उसको एंजॉय कर रहा है, बाकी लोग जो हैं वो परेशानी में और उसमें क्या कहते हैं अपना मतलब जैसे गर्मी में इंसान थोड़ा सा इंसान की तबीयत ऐसी हो जाती है, वैसे लोग वो जा रहे हैं मायूस हुए वे और वेदर से तंग आके। तो भाई वो बादल तो इस बंदे के लिए भी है ना भाई, बादल सबके लिए, इसके लिए भी है। लेकिन देखे नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ यू कुड कैरी द वेदर विद यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि वेदर सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में है और मैं इसकी डिपेंडेंसी से निकल जाऊं
एंड इफ आई कुड कैरी द वेदर विद इन मी, यानी कि मुझे इस बात से फर्क ना पड़े कि बादल हों तो मैं कैसे बिहेव करूंगा, और बारिश हो तो कैसे करूंगा, सूरज निकला हो तो कैसे करूंगा, इससे मैं इंडिपेंडेंसी से निकल जाऊं, तो अगर मुझे सूरज चाहिए तो तमाम बादलों के दरमियान भी मैं अपना सूरज अपने साथ रख पाऊंगा, और अगर मुझे बादल चाहिए तो बिल्कुल धूप में भी मेरे साथ बादल रहेंगे। आप समझ रहे हैं व्हाट द पिक्चर इज सेइंग? यस सर। खुशी जो होती है ना वो अंदर होती है, ठीक है ना, एक और एंगल है, चीजों से, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर से खुशी जो एसोसिएट होती है वो कुछ दिनों की होती है, उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन जो अंदर आपकी खुशी है वो आप अपने साथ रख सकते हैं। और इसी तरह आपको नजर आता है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में नाखुश दिख रहे होते हैं बैठे हुए, और एक छोटी सी फैमिली, एक मियाँ बीवी बच्चा एक बाइक पे जाते हुए भी खुश दिख रहे होते हैं, धमक रहे होते हैं उनके चेहरे। सर ये पिछले दिनों ये पिक्चर बहुत वायरल हुई थी, सही है ना? तो यस सर, दैट्स हाउ इफ यू कैन कैरी द वेदर विद इन यू, यू विल बी एबल टू रिमेन हैप्पी इन एवरी वेदर। समझ रहे हैं बात को? यस सर। चलिए जी, तो इसके लिए समझना जरूरी है कि आप प्रोएक्टिव हो के आप क्या करेंगे, आप उन चीजों पे फोकस करेंगे जो क्या कर सके, क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है जी, और उन चीजों पे आप फोकस नहीं करेंगे जो नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, आपके कंट्रोल में क्या है, जो चीजें आप बदल नहीं सकते वो क्या हैं, लोग, वेदर, ये वो है ना, हाउ पीपल ट्रीट यू, यू कैन नॉट चेंज दैट, जो चीजें आपने पास में गलत की यू कैन नॉट चेंज दैट, बिजली आएगी नहीं आएगी यू कैन नॉट चेंज दैट, रोड पे गड्ढा होगा, ट्रैफिक जाम होगा, यू कैन नॉट चेंज दैट, लेकिन आप चेंज क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं, आप इस चीज को बदल सकते हैं कि आप लोगों से कैसे बिहेव करें, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इवेंचुअली जब आप इसको जरा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि द ओनली पर्सन विच इज द ओनली थिंग एंड द ओनली पर्सन दैट इज इन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल इज यू, ठीक है जी, और बाकी सब कुछ, इवन आपके छोटे बहन भाई भी जो है ना वो सर्कल ऑफ कंसर्न इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो सर्कल ऑफ कंट्रोल में नहीं है। जब आप सर्कल ऑफ कंट्रोल पे काम करते हैं, यानी कि अपने ऊपर काम करते हैं, अपने बिहेवियर पे, अपने एटीट्यूड पे, अपनी जात को पॉलिश करते हैं हर तरह से, ठीक है, तो ये सर्कल ऑफ कंट्रोल बड़ा होता है, और जिसकी वजह से जो लोग पहले सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होते थे वो सर्कल ऑफ कंट्रोल में आने लगते हैं। ये आपके बहन भाई हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके टीचर्स हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं। जब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाले लोग सर्कल ऑफ कंट्रोल में आने लगते हैं तो दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर समवन टू टॉक टू, उन्हें ऐसा लगता है यू आर समवन वो सिंसियर इनफ जिससे बात की जा सके, जिससे मशवरे लिए जा सके, एंड दैट्स हाउ यू कैन इवेंचुअली इंक्रीज योर सर्कल ऑफ कंसर्न एज वेल। हो सकता है वो बात इवेंचुअली जाके एसी के एमडी तक पहुंच ही जाए कि आपके घर के सामने जो पोल लगा है उसको हटा दिया जाए, यू नो, या सड़क बन जाए आपके इलाके की, लेकिन तरीका वही होगा कि यू फर्स्ट वर्क ऑन सर्किल ऑफ कंट्रोल, और वो सर्किल ऑफ कंट्रोल में सिर्फ आप ही हैं, दैट वुड इवेंचुअली ग्रो, जब आप उस पर काम करेंगे वो ग्रो करेगा और वो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस तक पहुंच जाएगा, इसमें आपके इमीडिएट रिलेटिव्स होंगे, और फिर वो चीज़ें मजीद आगे बढ़ते हुए सर्किल ऑफ कंसर्न तक चली जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? हेलो पीपल,
अच्छा जी, सब लोग आ गए हैं, 9 बजे हमें अटेंडेंस लेना होती है, हम अटेंडेंस ले लेते हैं। एक बच्चा तो उसने लिखा था कि मैं तो हर क्लास में होता हूँ, मुझे आप लोग ये नहीं करते वो नहीं करते, वो कौन था? अब देख लीजिए भाई, मैं इस वक्त की अटेंडेंस 9 बजे मार्क कर रहा हूँ, और अब जो बच्चे नहीं है मैं उनका क्या कर सकता हूँ। 8:40 पे देवर सपोज टू बी इन द क्लास, और हम 9:05 पे अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं 9 बजे। ओके, चले जी, यहाँ तक बात क्लियर है? सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्किल ऑफ कंट्रोल, सर्किल ऑफ कंसर्न, ये तीनों चीजें आपको बड़े क्लियरली पता होनी चाहिए। देखें यहाँ पे यही दिखा रहे हैं, व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ तो आपका सर्किल ऑफ कंट्रोल बड़ा होकर सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ जाएगा, और फिर जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस जब बड़ा होगा तो वो सर्किल ऑफ कंसर्न तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? People, is that clear? Yes, sir. चलिए, तो ये हमने be proactive को एक दफा फिर revise कर लिया, ठीक है? तो अब हमने be proactive को revise कर लिया, begin with the end in mind को हमने पिछले लेक्चर में देख लिया, उससे पिछले लेक्चर में भी देख लिया, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब हम आ रहे हैं put first thing first, यानी कि what to do। जाहिर है what to do के लिए सबसे important चीज तो ये थी कि आपको जाना कहाँ है, where to go। उससे डिसाइड होना है ना भाई, वेयर टू डू। अब आपको बनना है क्रिकेटर और आप बैठे हुए वीएलएम पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो इससे कोई फायदा मिलना आपको? हो सकता है मिल जाए, लेकिन प्रोग्रामिंग पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं मिलना, ठीक है? अब अगर आपको बनना है साइंटिस्ट और आप ने जो अभी टेस्ट चैंपियनशिप हुई है वो पूरे 5-5 दिन सारे मैचेस देखे, तो उससे कोई फायदा मिलेगा आपको? जाहिर है नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो जो आप करेंगे What to do वाला जो एंगल है वो सिर्फ उस वक्त क्लियर हो सकता है जब ये क्लियर हो कि where you want to go, यानी कि जब विजन establish हो जाएगा तो उससे तय होगा कि आपको करना क्या है। ये बात आपको समझ आती है? मतलब is it logical? ठीक है जी। और अब जाहिर है एक आदमी को बॉलर बनना है तो वो बैटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करेगा या बॉलर की प्रैक्टिस ज्यादा करेगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? अच्छा बॉलिंग सर। हाँ, अब इम्पोर्टेंट से ये सामने आएगा भाई, एक को बनना है फंक्शनल कंसल्टेंट, एक को बनना है टेक्निकल कंसल्टेंट, तो फंक्शनल कंसल्टेंट वाला भी क्या उन्हीं कोर्सेज पे मेहनत करेगा जिस पे टेक्निकल कंसल्टेंट करेगा? ऑफकोर्स नॉट, है ना? तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट यू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, ओनली देन वी कैन हैव अ लिस्ट ऑफ व्हाट टू डू। ये बात तो क्लियर हो गई ना सबको, है ना? अब हम यस सर इस पे बात ये करते हैं कि इम्पोर्टेंट, जब हमें ये पता चल गया हमें कहाँ जाना है, तो फिर अब हमारे लिए ये बात तय हो रही है कि वेयर वेयर टू गो, ठीक है, एंड व्हाट टू डू पे हम बात करने जाएंगे। अब वेयर टू गो तो हो गया, अब व्हाट टू डू पे हम बात करने जा रहे हैं। मेरे लिए भाई क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस वक्त, ये बताइए। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं क्या ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए? यस सर बिल्कुल। सिर्फ सर मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है सर? एजुकेशन जो है वो एक बेहतरीन इंसान, मतलब एजुकेशन एक अच्छा, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब ईआरपी करने के बाद अपना बिजनेस करेंगे, और बहुत से स्टूडेंट होंगे जो बाहर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में
मतलब जॉब करना चाहेंगे, कोई बाहर जाके मतलब सर्व करना चाहेगा, तो सर मतलब एजुकेशन सिर्फ जस्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि एक लीडरशिप के लिए भी और एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी बहुत जरूरी है एजुकेशन। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, इम्पोर्टेंट आपने कहा, हाँ यार एजुकेशन इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कोई बंदा जो क्रिकेटर बन रहा होगा उसके लिए एजुकेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी जितनी आपके लिए? नो सर, शायद नहीं। एक आदमी जो बहुत अच्छा गाना गाना चाहता है, क्या उसके लिए भी उसी तरह ग्राउंड में वक्त गुजारना इम्पोर्टेंट होगा जिस तरह किसी क्रिकेटर के लिए? यकीनन नहीं, है ना? तो इससे हमने ये साबित किया कि भाई लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज डिफरेंट होंगी और वो इस बात से लिंक होंगी कि वो जिंदगी में के किस मैदान में काम करना चाह रहे हैं और जिस मैदान में वो में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्सेल करना चाह रहे हैं, उससे मुतालिक एक्टिविटीज उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। क्या ये बात ठीक हो गई? अब हम अगर इससे आगे बात करें कि भाई इम्पोर्टेंट होता क्या है, और हम आम तौर पे इम्पोर्टेंट को अर्जेंट से कंफ्यूज करते हैं, तो कैन यू प्लीज डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट? सर इम्पोर्टेंट मतलब कि आपके लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मतलब जैसे एजुकेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर मीन्स कि आपको प्यास लगी है तो आपने पानी पीना है, तो ये अर्जेंट हुआ। ठीक है। अब जैसे क्विज, सर जैसे सर अभी मिसाल है क्विज होता है क्लास में, तो वो अर्जेंट है हमारे लिए कि हमने करना है वो क्विज। तो फर्क क्या हुआ? सर एक काम है जो हमें, जो हमारी जिंदगी में अहमियत मतलब जो हमारी लाइफ लाइन है समझ, मतलब कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमने उसको करना है। जैसे कोई असाइनमेंट मिला है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमने करना है। अब जैसे मिसाल है कि कहीं हमें अचानक जाना पड़ता है तो अब वो अर्जेंट हुआ, मतलब कि वो जल्दी करना पड़ता है, हमें जल्दी करना पड़ता है। और इम्पोर्टेंट सर कि हमारी लाइफ लाइन, यानी कि हम हमारी जिंदगी की जो लाइफ लाइन है या जो लाइफ का गोल है वो, कि मतलब वो इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए, तो वो किस उस पर इन सिनारियों पे हम रखता है, तो वो हमारे लिए चीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक होता है क्या, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का? यानी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई काम अर्जेंट भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो? सर होता है सर, अच्छा चलें, तो हमें थोड़ी सी ना डेफिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी। देखिए, अर्जेंट इज समथिंग विच इफ नॉट डन नाउ कैन नॉट बी डन लेटर, इफ नॉट डन नाउ कैन नॉट बी डन लेटर, लेटर इट्स ए टाइम बाउंडेड एक्टिविटी। अर्जेंट क्या है? टाइम बाउंडेड एक्टिविटी। और जरूरी नहीं है कि हर अर्जेंट चीज इंपॉर्टेंट हो। इम्पॉर्टेंट तो सिर्फ वो चीज है जो आपको आपके विजन से करीब कर दे, यानी कि आपने जो विजन बनाया है उसमें आपने मुख्तलिफ क्वांटिफिकेशंस की हुई है ना, मुख्तलिफ गोल्स में आपने अपने विजन को डिवाइड कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट इज समथिंग विच ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर वर्थ वाइल गोल। ठीक है, आपने विजन बनाया मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके आपने छोटे छोटे ब्रेकअप्स कर दिए, उन्हें हम गोल्स कहते हैं। एक साल में मैंने भाई ये चार गोल्स अचीव करने। अब इम्पॉर्टेंट तो सिर्फ वो एक्टिविटी होगी जो उन चार गोल से आपको करीब कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर, और
उसका कोई ताल्लुक अर्जेंसी से नहीं है। और अर्जेंट कोई भी ऐसा काम है जो अगर अभी ना किया जाए तो वो बाद में ना किया जा सके, ठीक है, इस जरूर वो इम्पोर्टेंट हो भी सकता है और वो इम्पोर्टेंट नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसकी एग्जांपल हो गई आंसरिंग अ रिंगिंग फोन। अगर आपका फोन बज रहा है और आपने उस वक्त नहीं उठाया तो दोबारा वो फोन, वो वाली कॉल तो आप नहीं उठा सकते। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब आप जब तक फोन दूसरे कमरे में बज रहा था, आप जब तक पहुंचे फोन तक तो फोन बंद हो गया। अब ये आपको ये फोन कॉल दोबारा नहीं उठाई जा सकती। तो इसका मतलब था ये कि एक ये अर्जेंट काम था जिसे वक्त पे नहीं किया गया तो वो अब नहीं हो सकता। अब क्या ये इम्पोर्टेंट था या नहीं था, ये डिपेंड करता है कि आपको अपने फोन पे किसका नंबर नजर आ रहा है। वो बंदा आपके लिए इम्पोर्टेंट था, उसको कोई काम था, कोई करीबी दोस्त था, ऑफिस से कॉल थी, व्हाट नॉट, तो वो इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा जब आप उसको फोन उठा के देखेंगे कि फोन कॉल आ किसकी रही थी। लेकिन वो जो मिस हुआ है उस वक्त तक तो वो सिर्फ अर्जेंट था, इम्पोर्टेंट नहीं था। क्या ये बात आपको समझ में आई है जो मैंने कही? यस सर, आ गई। अब इसकी कोई और एग्जांपल दे देख लें। आप अपनी गाड़ी में जा रहे थे, आपने दूसरी तरफ से एक गाड़ी को गुजरते हुए देखा, ठीक है, तो ये जो आपने गुजरते हुए देखा ये एक अर्जेंट वो था, यानी कि लाइव मैच आप देख रहे हैं, पीएसएल चल रहा है, लाइव मैच देख रहे हैं। अगर आपने एक ओवर मिस कर दिया तो अब आप दोबारा लाइव तो नहीं देख सकते ना। बात समझ आ रही है? तो अर्जेंट इज अ टाइम बाउंडेड एक्टिविटी विच इफ नॉट डन ऑन टाइम कैन नॉट बी डन लेटर। अब वो इम्पॉर्टेंट होगा नहीं होगा ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। हमारे लिए पीएसएल की इम्पॉर्टेंट सिर्फ इंफोटेनमेंट तक है ना, एंटरटेनमेंट तक है, इंफोटेनमेंट भी नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है। लेकिन एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए इट इज इंफोटेनमेंट है ना, तो वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर वो फसील रजा को इन कर लीजिएगा, वो कह रहे हैं, उनका मैसेज आया। फसील रजा आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये वही है जो अब ये फिर आज की क्लास में वो हो चुके हैं, माशाल्लाह। जी फसील रजा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? फसील रजा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। तो भैया आपने व्हाट्सएप पे लिखा था कि आप क्लास में होते हैं और आपकी चार छुट्टियां लग गई। यस सर, आप देख कर लें सर। और आज आपकी पांचवी भी लग गई है। सर प्लीज नहीं करिएगा सर, वो अभी क्या नाम है, फी वाउचर भी नहीं आया, मैंने जमा करवाया। अटेंडेंस जा चुकी है मेरे बच्चे। क्लास का टाइम कितने बजे है आपकी? सर नेट बनता भी सर बैलेंस ले रहा हूं। ना ना ना, मेरे जो प्रेप वन की बच्ची है ना उसकी टीचर ही एक्सक्यूज अलाउ नहीं करती। किस क्लास की बच्ची है? सर नहीं अभी मॉर्निंग में उठा, वैसे ऑन होता है सर नेट ना। सर मेरी बात सुन लीजिए आप, किस क्लास की बच्ची है? नर्सरी की, उसकी टीचर ही एक्सक्यूज अलाउ नहीं करती, ठीक है, तो मैं भी नहीं करूंगा। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है आपकी घड़ी में हजरत? सर 9:15 हो रहे हैं सर, लास्ट दे दें सर, उसके बाद लेट नहीं हम उसे। अभी की तो अटेंडेंस जा चुकी है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ अब रहिएगा क्लास में, ऐसा ना हो कि फिर जब मैं दूसरे सेशन की अटेंडेंस लूँ फिर आप ना हो। नहीं सर अभी 5 हो गई तो फिर वो दोबारा ड्रॉप तो नहीं रहेगा, इसलिए प्लेंटी जमा करवानी है अभी मुझे। मुझे नहीं पता ड्रॉप होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ कर इसलिए नहीं सकता कि वो अटेंडेंस जा चुकी है, मार्क हो चुकी है, डेटाबेस में चली गई। सर माशाल्लाह। और ये हर दफा आप ही के साथ क्यों हो रहा है, ये भी आपको सोचना चाहिए। सर पहले तो सर पे क्लास में था, आपने 4 लग गई सर मेरी। हाँ ना, वो इसी तरह लग रही है ना बेटे, ये तो मैंने आपको डेमो दिया है कि जिस वक्त अटेंडेंस ली जा रही है अगर आप उस वक्त क्लास में नहीं है तो मसला है।
हमारी आपकी पहले कभी मुलाकात तो नहीं हुई ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पहले से किसी उसको जानते हो एक दूसरे को। तो बेटा जिस वक्त अटेंडेंस, मैं तो सिंपल तस्वीर खींचता हूँ पार्टिसिपेंट की भेज देता हूँ, समझ रहे जी सर। चलिए रहिए क्लास में। चलें जी, हमने इम्पोर्टेंट और अर्जेंट की डेफिनेशंस देख ली। अर्जेंट हमने कहा कि वो ऐसा काम जो अगर उस वक्त ना किया जाए तो बाद में ना हो सके, उसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स रखी, देख लेंगे। इम्पोर्टेंट सिर्फ वो एक्टिविटी है जो हमें वर्थवाइल गोल के करीब करे, ठीक है ना। और वर्थवाइल गोल क्या है कि जो हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे, जो हमारे विजन से अलाइंड हो, ठीक है जी। ये हमारी बातें हो गई। अब अगर हम इसको देखें आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ये स्लीपिंग जो है ये क्या है, इम्पोर्टेंट है अर्जेंट है? इम्पोर्टेंट है सर। सही है। वॉचिंग है क्रिकेट मैच? अर्जेंट। अर्जेंट क्यों है? क्योंकि लाइव है ना, जो बॉल आप लाइव मिस कर दी वो आप दोबारा नहीं देख सकते, टाइम बाउंडेड है। स्लीपिंग टाइम बाउंडेड नहीं है। अगर अभी नहीं सोएंगे तो 5 मिनट बाद सो सकते हैं ना, 1 घंटे बाद सो सकते हैं। गॉसिप करना अर्जेंट है? इम्पोर्टेंट है सर। नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ पूछ रहे हैं अर्जेंट है या नहीं है। अर्जेंट को हम किस तराजू पे तोल रहे हैं कि अगर अभी ना करें तो बाद में नहीं किया जा सकेगा। एक्सरसाइज यस सर अर्जेंट है? अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना भाई? नो सर, अर्जेंट नहीं है। यस सर। Seeing a particular car coming from the opposite side while driving from one city to another on a divided highway. अगर वो कार मिस हो गई तो दोबारा नजर आएगी? नहीं देख सकते सर। नो सर। अर्जेंट हुआ? यस सर। Seeking forgiveness from your spouse. हाँ भाई अर्जेंट है? नहीं है, बाद में मांग लेंगे। Hugging your child. Not urgent, बाद में कर लेंगे। Going to a sale which is ending today. कल जा पाएंगे उस सेल में जो आज खत्म हो रही है? नहीं जा पाएंगे, इसलिए अर्जेंट है। Seeking forgiveness from God. अर्जेंट है? कुछ पता है कि जिंदगी